अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय माइक्रोवेव क्वीन जाहिरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फ्रूट सैलेड बनाने वाले हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहले मैंने आधा लीटर दूध लिया है। ये गरम किया हुआ दूध है, आधा लीटर। अभी हम सब में पहले क्या करेंगे, ये आधा कप एक बाउल में मैंने दूध लिया है, उसमें हम 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये एक हो गया और ये एक 2 टेबलस्पून कस्टर्ड डाला है, उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। पेस्ट होना चाहिए इसका। पूरा पेस्ट बना के लिया इसका, देखिए पूरा पेस्ट हो गया। अभी ये दूध आधा लीटर गरम किया हुआ, उसमें हम 1 कप शक्कर डालेंगे। उसमें हम ये गरम दूध में 1 हाथ से कस्टर्ड डालेंगे और 1 हाथ से मिलाते रहेंगे। अभी इसको हम थोड़ा और पकाएंगे, गैस पे थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। अभी कस्टर्ड डाला है ना दूध में, तो दूध गाढ़ा हो जाएगा, तो थोड़ा गाढ़ा होने देंगे उसको और फिर ठंडा करके फिर उसमें सारे फ्रूट्स डालेंगे। तो अभी मैं आपको ये गाढ़ा करके दिखाती हूँ थोड़ा। अभी इसको फ्रेंड्स देखिए, वो जब मैंने दूध गर्म किया था, उसमें मैंने जो कस्टर्ड आधे कप दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड डाल के वो मिलाया और वो पेस्ट इसमें डाला और इसको थोड़ा पकाया, तो ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया। अब इसको ठंडा किया है मैंने। अभी हम इसमें 1-1 करके सब फल डालेंगे। अभी फ्रेंड्स, मैंने सब में पहले 1 कटोरी तरबूज लिया है, 1 कटोरी कलिंगड़ लिया है ये, और 1 कटोरी अंगूर है, 1 कटोरी केला है, और 2 से 3 टेबलस्पून अमरूद है। तो ये 5 फल है यार, ये हम उसमें डालेंगे। अभी तो सब में पहले हम वाटरमेलन डालेंगे। अभी तरबूज डालेंगे, तरबूज डालेंगे, केले डालेंगे 1 कप, अमरूद डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अंगूर भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सब फ्रूट्स डाला मैंने उसके अंदर, तो कितना अच्छा फ्रूट सैलेड बन गया है। अभी इसको फ्रिज में रख के चिल्ड करेंगे हम और फिर सर्व करेंगे। तो देखिए कैसा गाढ़ा हो गया, कैसा ज़बरदस्त दिख रहा है फ्रूट सैलेड। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और मैंने अभी इफ्तियारी के लिए फ्रूट सैलेड बनाया है। तो अभी इसको थोड़ा चिल्ड होने रखती हूँ फ्रिज में, फिर आपको बाद में सर्व करके दिखाती हूँ। चिल्ड हो गया है फ्रेंड्स, देखिए बहुत चिल्ड लग रहा है और कैसा ज़बरदस्त बना है। अभी मैं आपको बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त बना है। देखिए अभी मैं फर्स्ट अब जाए। तो फ्रेंड्स अभी हम गार्निश करेंगे। काटे तो नहीं क्या तरबूज? काटे तो तो देखो फ्रेंड्स मेरा फ्रूट सैलेड बन के तैयार हो गया। एकदम चिल्ड है, फ्रिज में रखा था मैं, बहुत ठंडा हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। माइक्रोवेव क्वीन जाहिरा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और रमज़ान का स्पेशल, आज दूसरा रोज़ा है, रमज़ान का स्पेशल मैंने फ्रूट सैलेड बनाया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।